खालस दूध सिर्फ कट्टी पी सकती है जी। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, खालस दूध पीना इसने। हम जितनी मर्जी सेवा कर ले, हमें घर वालों ने पानी डाल के दूध देना, खालस दूध पीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे जहाँ भी अपने फैमिली के साथ खुश होंगे और हंसते होंगे। इसी दिमाग के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर लें जी। तो ईद वाले दिन हम लोगों ने खाए जी पिज्जे बर्गर, तो उसकी वजह से गला खराब हो गया, नज़ला आ गया। कल जी व्लॉग नहीं बना सकता, कल मेरे से बोला नहीं था जा रहा जी। तो अभी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मेरा गला जो है ना अंदर से इसको इन्फेक्शन हो गया हुआ है। अभी मैं पहुँचा अपने खेतों में, इधर से जी जो हम लोगों ने धान का जो बहुत साग इकट्ठा किया था ना, वो लेके घर जाना था, क्योंकि गंदम पक के बिल्कुल तैयार है, सिर्फ 10-15 दिन की बात है। तो फिर जब गंदम की कटाई हो जाएगी, मुड होते हैं ना उनको आग लगा देते हैं, तो फिर ये सारा जो बहुत सारा ये राख बन जाएगा, जल जाएगा जी। ये ईंधन का बहुत सारा, इसीलिए रोजाना का मैं एक चक्कर भी लेके जाऊँ तो इतना ज़्यादा कि एक महीना ख़त्म नहीं होने वाला। इसी वजह से एक दिन में 2 चक्कर, एक सुबह और एक शाम लेके जाएंगे और इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। अभी लेके चलते हैं इसको घर, क्योंकि बाद में पछताने का फ़ायदा कोई नहीं कि ये जल गया जी। इसे बोलते हैं हम लोग अपनी ज़बान में जी पंड जी। इस तरह की अगर डेली 2 पंडे जाए ना, तो फिर जी 1 महीने में ईंधन घर जाएगा, क्योंकि इधर भी है, वो सामने भी डेरी लगी हुई है, ये भी कम से कम जी 10-12 पंडों से ज़्यादा। अभी इसको उठाते हैं और ले कर निकलते हैं। इसका जी वज़न तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है, इसी वजह से उठाने में थोड़ी मुश्किल होती है इसको जी। जी ईद का तीसरा दिन है, तो बच्चे जा रहे हैं जी अपने ननिहाल। निम्बरा हमारे पास ही रहेगी इधर। जहान भी आ गए। जहान भाई आप भी जा रहे हो? नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, कल बैसाखी है तो कल इसको नहला आगे लाएंगे किसी दरिया में जी। चलिए फिर तैयार हो, रोटी 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 खा लिया ना, उसे ज़्यादा खानी। अभी निकलते हैं जी और बच्चों को छोड़ के आते हैं इनके नानी के गाँव, क्योंकि इनके पापा ने से जा रहा, कहता कि मैंने नहीं जाना अपने ससुराल जी। हो गए तैयार? अभी निकलते हैं जी। इलाके के जो गंदम है ना, ये हमसे पहले जो ना पक के तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह इसका रंग चेक करो, कितना ज़्यादा सुनहरी हो गया। इधर धूप ज़्यादा पड़ती है हमारी तरफ से। रास्ता चेक करो जी, ट्रैक्टर वालों ने सारा का सारा रास्ता ख़राब कर दिया भाई, ये चेक करो। और गांव के कच्चे रास्तों में बाइक चलाने का अपना मज़ा है। तो इस जी साइड पर हमारी तरफ से गर्मी ज़्यादा है, इधर गंदम माशाल्लाह चेक करो, वक्त से पहले जो ना पक गए, इधर गंदम पहले पक जाती है हमारी नस्बत। हमारे उधर गंदम 10-12 दिन लेट है, अभी इधर भी गंदम पक भी गई है। गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, तो बकरे को भी पानी डाल दिया इधर, और इधर बकरी को भी पानी डाला लेकिन नहीं पी रही। अभी ये वाला पानी उठा के तो रखेंगे अपनी कट्टी के आगे। माशाल्लाह जी ये रही कट्टी। तो मैंने एक मुकम्मल ब्लॉग बनाना था कि हमारी भैंस ने जो कट्टी दी है जी, उसके बाद ईद आ गई, तो ईद में ब्लॉग नहीं बन सका ये वाला। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी भैंस के लिए जो दूध बढ़ाती है ना, हाले हो गुड़ और भी सारे जो सामान होगा वे लेके आना है। साथ कल बैसाखी है, लेकिन कज़न सिस्टर के बच्चे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बैसाखी पे लेके जाओ, मेले पे जाना हम लोगों ने। और मैं और भाई इमरान साथ मेला देखने जा रहे हैं, और जी साथ लेने जा रहे हैं भैंस का सामान जी। माशाल्लाह कट्टी छोटी जी पानी पी रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है जी। ये क्या रहे जिद्दी बच्चे, अभी धूप कितनी ज़्यादा, तो इस वक्त जा रहे हैं मेले पे। ये जी बहुत ही ज़्यादा शरीफ लड़का है जी, बाइक उधर आई है नीचे, तो बच्चे जिद्दी बच्चे। अवैस सन ऑफ मोहम्मद सफदर, ये लड़का शरीफ है। ये जो मेहमान है ना ये वाला, ये बहुत जिद्दी मेहमान है। इसकी आंखें चेक करो, ऐसे जैसे महंगी ब्रांड की शराब पी हुई है इसने। ये चेक करो इसके काम। मेला तो मेला था कल, अभी तो हम लोग वैसे ही आ जाए हैं, तो मेले पे तो कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। अभी सिर्फ चंद दुकानें लगी हुई हैं और जी कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं लगा हुआ। अभी देखते हैं जी। अभी सिर्फ बहुत कम सामान लगा हुआ चेक करो। बैसाखी तो जो सही लगनी है वो कल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आज बच्चे जिद कर रहे थे, अभी सिर्फ आज इनको घूमने के लिए लेके आए हैं। झूले लेने, झूले तो लगे थे, झूले कुछ लाने तू? देख झूले तो खाली है,
मैं तेन क्या भी कल कल लगने से विसाखी कल कल फर्स्ट विसाख दी है ठीक है। अज देखो ना कोई झूला है वे कोई हाले तेरे डोली भी नहीं कसी दी। अभी जी बच्चों के लिए लिए दो क्रेन पस्ता जी। तो पहले पहले दिनों में जी काफ़ी ज़्यादा महंगाई थी लेकिन जैसे जैसे विसाखी दूर होती जाती है ना वैसे वैसे महंगाई भी सस्ती होती रहती है जी और सामान भी सारा सस्ता हो जाता फिर। नेवर शूटिंग एट एनी ह्यूमन और एनिमल। इसने क्या शूटिंग करनी है ये टिक टिक वाला पिस्तौल वाला ये वाला सदा तो ऐसी लिखी हुई है जैसे ये चले देखो किसी का गोली लग जानी है जी। अभी बच्चों के लिए कोड वगैरह सब कुछ दे दिया। अभी देते हैं भैंस के लिए जो सामान दो किलो तो गुड़ कर दी भैंस के लिए लगा था वो सामान तैयार करने जो अपने टोन से लेके आया हूँ लेकिन जी मुझे आज ये नहीं था पता कि आज जुमा है। मेरी तरफ से आप सबको जुमा की मुबारक हो। तुम मौलवी साहब खिताब कर रहे हैं तो मेरे कानों में पड़ी है वहाँ से भी चलते हैं जी जुमा की नमाज़ अदा करने क्योंकि जुमा ज़रूरी है जी सबसे ज़्यादा। अभी चलते हैं जुमा की नमाज़ अदा कर करते हैं फिर जी आके भैंस के लिए सारा मटीरियल तैयार करेंगे। इंसान है जिन्हें रोटियां पकड़िया होते हैं और आगे पेश किया कि राबिया बसरिया को दे हजरत राबिया बसरिया की खादमा मां फरमाती ने मैं कपड़ा उठा के देखिया नीचे रोटियां जड़िया ने दो रोटी राबिया बसरिया के नाल आके जिक्र किया कि दो रोटियां कोई साहिल लैके आया है तुहाडे वास्ते कबूल फरमा लिए कि नहीं। आपने फरमाया कि नहीं कि गलती नाल साढ़े घर के अंदर आ गया नहीं कि साड़िया नहीं किसी रोटियां ने आपने कपड़ा उठा के वेखिया गिनिया और वो रोटियां दस सी। खादमा ने अर्ज की अज दस रोटियां ने हूं दस आईया ने अठ भी कबूल नहीं कि छे भी नहीं कि चार भी नहीं कि दो भी नहीं कितिया आजा हालांकि आजा भी सारा का सारा ही तोहफा सी लेकिन दस रोटियां ने तो हम तुम इन कबूल भी फरमा लिया है और यह भी हुक्म दे दिता कि मेहमाना को पेश कर दे अंदर की हिकमत है की राज है। हजरत राबिया बसरिया फरमाती ने ऐ फातिमा मेरे रब का वादा है कि जोड़ा बंदा एक मेरे राह के अंदर खर्च करता है मैं दस अदा फाइनल जी नमाज जुमा अदा करके घर पहुंच गया। अभी डालते हैं जानवर को चारा तो चारा अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मतलब कम होता जा रहा है बरसीम का जो चारा ना वो कम होता जा रहा है। अभी न्यू चारा उगाएंगे तो वो फिर ज़्यादा होगा। अभी जो चारे में थोड़ा थोड़ा बहुत सा भी डाला करेंगे ताकि जानवरों का पेट भर जाया करे। धूप पड़ना स्टार्ट हो गई है और धूप में बरसीम जो है ना वो कम होता है। टट्टी हमारी थोड़ी छोटी है इसको चलने की आदत भी डाल रहे हैं जी। जब जानवर का बच्चा छोटा है उसको ऐसे पीछे से चलाया जाता है जी धक्का लगा के फिर वो चलने की जो है ना वो उसको ट्रेनिंग होती है। भैंस जा रही है हवेली में तो साथ इसका बेबी भी जाएगा छोटा सा भैंस पी रही है इधर पानी। जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ रही है तो पहले जानवर पीते थे पानी सिर्फ एक टाइम अभी जानवर तीन टाइम भी पानी पीने का कम है। अभी भैंस ने पेट भर के पानी भी पी लिया जी। ये चारा डाल दिया सिर्फ इतना सा भी इसमें बहुत सा डाला। इस छोटी सी कट्टी को बांधना हम लोगों ने अंदर क्योंकि बाहर धूप ज़्यादा है इसी वजह से इसको बांधे के कमरे में जी। इधर बांध दीजिए अपनी इधर जला दिया और हांडी जगह रखते हैं ऊपर इधर में। ये रहे जी हाड़ियों जो मैं अपने टोन से लेके आया था अभी इसको भी डालते हैं इस हांडिया में जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी भी डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जाएगा गुड़ जी समझाएगा गुड़
इसको ऊपर से ढांप देते हैं और पकने देते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता जी। जो भाई जानवर रखते हैं मुझे बताएं कि इससे अच्छा मैं अपनी भैंस को क्या दूं कि वो दूध ज़्यादा दे जी। मेरे में सिर्फ यही था। इसके बाद जी गंदम का दलिया कराना, वो भी साथ साथ डालते रहेंगे, लेकिन हालियाँ गुड़ को गर्म करके देना। और इससे अच्छा कोई पैकेज है तो मुझे ज़रूर गाइड किया करें ताकि हमारी भैंस दूध ज़्यादा दे जी। अभी इसको गर्म होने के बाद फिर भैंस को डालेंगे। हो गई जी तैयार हालियों, अभी इसको डालते हैं इस दाबड़े में ताकि ठंडी हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म अभी चूल्हे से उतारी है, इसको डालते हैं दाबड़े में ताकि ठंडी हो जाएगी। बहुत ज्यादा गर्म है जी। खालस दूध सिर्फ कट्टी पी सकती है जी। ये लो खालस दूध पीना इसने। हम जितनी मर्जी सेवा कर ले, हमें घर वालों ने पानी डाल के दूध देना, खालस दूध पीता है तो जानवर पीता जी। ये जानवर का जो बच्चा होता है। तो इधर पानी में मैंने हालियाँ ठंडी होने के लिए रख दिया है। ये पानी में जब ठंडी हो जाएगी फिर इसको देंगे। पहले चेक करेंगे अगर ऐसे खा लेगी फिर जी सबसे बेस्ट है। अगर ना खाएगी तो फिर, अगर सियाने कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से मक्खन ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, अगर ऐसे ना खाएगी फिर नालके की मदद से इसको देंगे जी। हाल है वो की गवाच गया। अभी कट्टी छोटी है तो इसको पता नहीं चलता जी कि कैसे दूध पीना जी। अंजलि जी बिल्कुल ठंडी हो गई है। हाल है जी, अभी देते हैं भैंस को। अगर तो भैंस खा लेगी ऐसे ही तो इसके लिए भी बेस्ट और हमारे लिए भी, अगर ना खाएगी तो फिर कोई और ही ला करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है जी कि हमारी भैंस ऐसे इसको पी जाएगी, खा लेगी जी माशाल्लाह। तो भैंस ने मेरा काम तो कर दिया एहसान के खुद ही खाई जा रही है। लेकिन ये हमारी जो भैंस है ना, ये थोड़ी सी कड़वी भी है, जिस वक्त अड़ी कर लेती है ना मतलब कि जिद कर लेती है फिर नहीं मानती किसी की। लेकिन अभी तो माशाल्लाह आराम से खा रही है जी। आज जी माशाल्लाह मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया जी। दिन में जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता ना, इस वक्त थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल को जरूर दबा दें ताकि मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफ़िज़, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।